Hi everyone, welcome to Clinical Knowledge in Medicine. This video is about CLABSI. CLABSI is Central Line Associated Bloodstream Infection. ये एक हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन का टाइप है. सो इस वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन, रिस्क फैक्टर्स, पैथोजेनेसिस एंड प्रिवेंटिव मेजर्स को देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. इंट्रोडक्शन. क्लैब्सी एक लेबोरेटरी कन्फर्म्ड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन है जिसमें पेशेंट आफ्टर 48 आवर्स ऑफ इंसर्शन ऑफ सीवीपी लाइन इन्फेक्शन डेवलप होता है एंड इन्फेक्शन अदर साइड से रिलेट नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट, रिस्क फैक्टर्स. पेशेंट रिलेटेड जो फैक्टर्स होते हैं, इंक्रीज सीवियरिटी ऑफ इलनेस, कॉम्प्रोमाइज्ड इंटीग्रिटी ऑफ स्किन एंड प्रेजेंस ऑफ डिस्टेंट इन्फेक्शन. कैथेटर रिलेटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन का रिस्क इंक्रीज हो जाता है अगर ल्यूमन का नंबर ज़्यादा है. और नॉन टनल्ड कैथेटर के लिए जो ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन है वो वेरीज करता है एनाटॉमिकल साइड्स के बेसिस पे. जैसे मैक्सिमम होता है ग्रोइन इंसर्शन पे एंड इंटरमीडिएट फॉर नेक इंसर्शन एंड लोवेस्ट फॉर चेस्ट और अपर एक्सट्रीमिटीज इंसर्शन. हेल्थ केयर वर्कर रिलेटेड फैक्टर. अगर एसेप्टिक टेक्निक्स का प्रॉपर यूज़ नहीं किया गया ड्यूरिंग प्लेसमेंट और मेंटेनेंस देन रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इंक्रीज हो जाता है. पैथोजेनेसिस क्या रहेगी? इन्वेजन ऑफ स्किन ऑर्गेनिज्म एट द इंसर्शन साइट इनटू द कैथेटर ट्रैक. डायरेक्ट कंटामिनेशन हो जाए कैथेटर का या फिर कैथेटर हब. और हेमाटोजेनस स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम अनदर साइड. कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो है कोगुलेस नेगेटिव स्टेफाइलोकॉकस. प्रिवेंटिव मेजर्स क्या यूज़ करेंगे? हैंड हाइजीन, नीड फॉर द लाइन है या नहीं, ड्रेसिंग, साइट क्लीनिंग प्रॉपर होने चाहिए, 2% क्लोरोहेक्सिडिन यूज़ करके, हब डिकॉन्टामिनेशन 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज़ करके. सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्लैब्सी. एंड लास्ट वीडियोज़ में हमने देखा कोटे, एसएसआई, वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया एंड इस वीडियो में हमने देखा क्लैब्सी. सो ये सारे टाइप्स हैं हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस के. फॉर द रिटन कंटेंट ऑफ दिस इन्फेक्शंस यू कैन विजिट mbbspedia.com. Keep watching Clinical Knowledge in Medicine, share and subscribe our channel. Thank you.